Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। कुछ फ्लाइट निरस्त की गई थी, क्या मामला था, जो हंगामा किया? एक्चुअली स्पाइस जेट की कुछ फ्लाइट है जो डिले हुई है, तो यात्री पहले से आ जाते हैं अपने शेड्यूल के अनुसार, तो संभावित है कि वो थोड़ा सा अधीर तो होंगे जब 5-6 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा उन्हें, तो स्पाइस जेट की तरफ से कुछ फ्लाइटें हुई हैं। अभी क्या सुविधाएं दी जाएगी? जो सुविधाओं में मैं आपको बताऊं कि अभी हमने ओला यहां से शुरू की है टैक्सी सर्विस, और बहुत ही जल्द उबेर भी यहां से आ रहा है, और यात्रियों की और सुविधाओं के लिए हमने एक रेस्टोरेंट की सुविधा यहां हम ला रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर, और बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो जाएगा, उसमें यात्री खान पीन के लिए सुविधा रहेगी, और ड्राइवर्स कैंटीन एक बहुत जल्दी हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, ताकि जो लोग छोड़ने आते हैं या फिर जो बाहर खड़े रहते हैं जो इंतज़ार कर रहे होते हैं यात्रियों का, उनके लिए खान पीन की और जो व्यवस्था रहे यहाँ पर, तो वो टॉयलेट की व्यवस्था भी उसमें रहेगी, तो मतलब उनके लिए भी एक सुविधा हो जाएगी यहाँ पर। लाइसेंस प्रक्रिया में लाइसेंस की जहाँ तक बात है, पहले हमें DGC ने 6 महीने के लिए लाइसेंस दिया था, और बहुत खुशी की बात है कि इस महीने के लिए शुरुआत में वो यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे, और उन्होंने यहाँ इंस्पेक्शन किया और हमें 4.5 साल के लिए और लाइसेंस दे दिया है, तो हमारे को पूरे इस हवाई अड्डे को पूरे 5 साल के लिए लाइसेंस मिल गया है, और आगे के लिए हम उस पर यात्रियों की सुविधाओं में भी विस्तार कर रहे हैं जैसे जैसे समय रह रहा है। कितने विमान आ रहे हैं? देखिए, लगभग चुनाव से पहले भी एक थोड़ा सा एक भ्रामक प्रचार चल रहा है कि यात्रियों की संख्या में कुछ कमी आई है, तो मैं बताना चाहूँगा कि चुनाव से पहले भी लगभग हम 14-15 फ्लाइटें यहाँ पर हैंडल कर रहे थे, और अभी भी हम 14-15 फ्लाइटें हैंडल कर रहे हैं, और यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं है ऐसी, और थोड़ा बहुत अगर फ़र्क पड़ा भी है तो गर्मी की वजह से मैं मान सकता हूँ कि लोगों ने अपना प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया हो, कि भाई थप तो मौसम ठीक हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ, और मुझे तो लगता है कि और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी यात्रियों की संख्या। कितनी संख्या पहले आते थे आपके यहाँ? संख्या लगभग 4,000 के आसपास पहले रहती थी, और लगभग इतनी ही संख्या अभी भी चल रही है, तो यात्रियों की संख्या में कहीं कोई कमी नहीं है। अभी अयोध्या से कहाँ कहाँ फ्लाइटें आ रही हैं? देखिए, अयोध्या से हम चला रहे हैं यहाँ से इस टाइम कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, और सब जगह की जो जितने भी मेजर सिटीज़ हैं उनके लिए फ़्लाइटें यहाँ से हैं। कौन कौन सी फ्लाइट अभी सेवा दे रही है? अभी अकासा एयर दे रहा है, इंडियन एयर एक्सप्रेस दे रहा है, स्पाइस जेट है, और एक अलायंस एयर है, तो इस तरीके से बहुत सारे सभी जो मेजर वो हैं सभी दे रहे हैं हमारे यहाँ। नया कोई नया एक उम्मीद है कि अब भविष्य में जल्दी ही फेज़ 2 का कार्यक्रम यहाँ शुरू हो जाएगा, और उसके साथ जो नई बिल्डिंग बननी है एयरपोर्ट की, उसका निर्माण कार्य भी बहुत जल्द शुरू होगा। कब से शुरू होने की उम्मीद है? कि इस साल के अंत तक शायद शुरू हो जाएगा, जैसे ही वहाँ से हरी झंडी मिलेगी तो उस कार्यक्रम शुरू हो जाएगा उसका।